हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू, कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस आज के दिन और क्या हो सकता है कल थर्सडे को, हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर देखा जाए तो आज मॉर्निंग में निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग रही और गैप अप ओपनिंग के बाद ये देख सकते हैं माइनर सी गैप ओपनिंग थी। कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 15,818 और आज की जो ओपनिंग थी वो 15,819, तो एक पॉइंट गैप ओपनिंग थी। उसके बाद एक अच्छा हायर लो स्टैब्लिश करता हुआ हमको दिखा है निफ्टी और एक ट्रेंड लाइन के साथ प्रॉपरली ट्रेड कर रहा है निफ्टी। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रॉपरली हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ अप ट्रेंडिंग है। और यहाँ पे देखें तो हमने जैसे कि बात की थी कि निफ्टी ने, हम लोग ने लास्ट डेली मार्केट रिव्यू में, कि निफ्टी ने इस हायर लो को प्रॉपरली स्टैब्लिश किया है। ये 50% का जो रिट्रेसमेंट है इसको प्रॉपरली स्टैब्लिश किया है और इस रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए वापस से अपसाइड में मूव कर रहा है। मतलब ये एक हायर लो स्टैब्लिश किया निफ्टी ने, इसको कन्फर्म किया है। ये प्रॉपरली हम लोग चेक कर सकते हैं 0.38%। और बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कितना हुआ, मगर हम लोग ये देखेंगे कि आज निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है और एक प्रॉपरली देखें तो एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ हमको दिख रहा है, क्योंकि दो बार सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने। यहाँ पे देखें 15,915 और यहाँ पे 15,914, तो एक ये लेवल मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है अपर साइड में। अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी तो हम लोग आने वाले टाइम में निफ्टी में एक और बुलिशनेस देखेंगे। और जिस तरीके के डेली चार्ट्स में प्राइस एक्शन दिख रहा है, ऐसा लगता है कि निफ्टी जरूर इसे ब्रेक करेगा, इस लेवल को प्रॉपरली ब्रेक करेगा। यहाँ पर हम लोग ये चेक कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे देखें कि वीकली चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, तो वीकली चार्ट्स पे प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है और इस वीक में भी निफ्टी प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है, अभी तक 157 पॉइंट प्लस है। मंथ की बात करें तो इस मंथ में प्रॉपरली 158 पॉइंट प्लस है और निफ्टी कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की पहले हम लोग डेली चार्ट से बात करें तो डेली चार्ट में ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग रही थोड़ी सी। यहाँ पे देखें तो जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 35,579, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और जो आज की ओपनिंग थी वो थी 35,550, तो 29 पॉइंट माइनस में ओपन हुआ। उसके बाद एक काफ़ी बुलिश साइन हमको देखने के लिए मिला बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर है और बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। हमने बात की थी प्रीवियस डेली मार्केट रिव्यू में, यहाँ पे देखें तो प्रॉपरली 0.236% का रिट्रेसमेंट लिया था। यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली इसका ही रिट्रेसमेंट लिया है बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है कुछ दिनों से और बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है कंपेयर टू निफ्टी। डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है और एक बुलिश साइन बनाता हुआ जा रहा है, एक हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ जा रहा है बैंक निफ्टी। उसी तरीके से वीकली चार्ट पे देखें तो इस वीक में प्रॉपरली बैंक निफ्टी 2.76% 961 पॉइंट प्लस है। उसके बाद अगर बात करें मंथली चार्ट में तो मंथली चार्ट में भी इस मंथ में अभी तक 100 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस है। EMS की बात करें तो EMS पे ये देख सकते हैं कि प्रॉपरली 13 EMA, 20 EMA सबके ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट्स में 5 EMA, यहाँ पे 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट्स में, और मंथली चार्ट में प्रॉपरली 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में ये देख सकते हैं कि प्रॉपरली आर्ली कैंडल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है आर्ली कैंडल्स पे, और डेली चार्ट्स में भी देखें तो डेली चार्ट्स में भी हर EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन है। वीकली चार्ट्स में भी हर EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अप ट्रेंडिंग है। तो हमको जो पोजीशन है वो अप साइड में ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और बहुत से स्टॉक्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं और हमको इस लेवल पे एक छोटा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा नहीं, जो पहले से आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है उसको भी ट्रैक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप कौन कौन सी कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर बेस के रिजल्ट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 61 पॉइंट प्लस रहा निफ्टी, 33 कंपनीज प्लस रहीं, 17 कंपनियाँ माइनस रहीं। अगर बढ़ने वाले शेयर्स में टाटा स्टील 5%, JSW स्टील, हिंडालको, बजाज फिनसर और UPL बढ़ने वाले शेयर्स में रहे। गिने वाले शेयर्स में टाटा स्टील, ONGC, मारुति, SBI लाइफ और रिलायंस रहे। मोस्ट एक्टिव शेयर्स अगर देखें तो टाटा मोटर्स का आज नाम रहा सबसे ज़्यादा एक्टिव शेयर्स में, उसके बाद टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और NMDC। गिरने वाले क्वांटिटी ट्रेड कहें तो GTL इंफ्रा, टाटा मोटर्स, भेल, आइडिया और JP पावर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई। FIS की बाइंग देखें कि FIS का ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं 4 बजे, तो FIS का डेटा अभी नहीं आया होगा, मगर कल का डेटा हमें जरूर देखने मिलेगा।
अगर कल का हम लोग डेटा देखें तो कल के डेटा में FIIs ने 573 करोड़ का नेट में सेल किया था, मतलब वो मार्केट में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उनको देख रहे हैं। ये वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।